एनसीसी 37 झारखंड बटालियन ने भी सरकार से कैडेटों को आरक्षण देने की मांग की है। एनसीसी के 37 बटालियन के कैडेटों ने सरकार से आरक्षण की मांग की है। उनका कहना है कि पहले आरक्षण का प्रावधान था पर इसे बंद कर दिया गया है। उनका नेतृत्व सुमित कुमार कर रहे थे। जो हमें आरक्षण मिलती थी पहले वो हमें मिलनी चाहिए। जो सेना में बहाली होती है, जो सेना में बहाली होती है जिसमें हमने एनसीसी कैडेट को अलग से दोहराया जाता था, जो अभी अलग से नहीं दोहराया जाता है, और जो हमें टाइमिंग मिलती है 1600 दोहराया जाता है, जो हमें उसमें टाइमिंग मिलती है वो भी अभी नहीं मिलती। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। मैसर्स स्टील स्ट्रिप्स कंपनी के बाहर भारी वाहनों की पार्किंग से छोटा गोविंदपुर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है। मैसर्स स्टील स्ट्रिप कंपनी के बाहर सड़क पर दोनों छोर पर भारी वाहनों की पार्किंग की शिकायत लेकर छोटा गोविंदपुर पंचायत के सदस्य उपायुक्त के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की आशंका तो है ही, साथ में लोगों को खासकर स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए कि स्टील कंपनी है, साइड में रोड खड़ा कर रहता है, इस साइड उस साइड स्कूल जाने वाला बच्चा लोगों को भी दिक्कत हो जाता है, और स्कूल जाने वाला बच्चा लोगों को लेट हो जाता है, उस कारण से बच्चा लोगों स्कूल आपस भी आ जाता है। स्कूल से गाड़ी खड़ा करता है दोनों साइड में। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि गाड़ी उस साइड में नहीं खड़ा करना चाहिए। अब भीड़ भाड़ करने में दोनों तरफ टेलर खड़ा रहता है, कितना मतलब आदमी लोगों का कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहते, इकपट होते रहता है। क्रियासन तेल ठेका वेंडरों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। क्रियासन तेल ठेला हॉकरो यूनियन द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। वे 1600 लीटर तेल, 15 रुपया कमीशन और 5 लाख ग्रुप बीमा की मांग कर रहे हैं। उनका नेतृत्व यूनियन के अध्यक्ष निपेंद्र कृष्ण महतो कर रहे थे। जिला भंडार से संबंधित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल गए और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को 5 सूत्री मांगों से संबंधित मांग पत्र प्रस्तुत किए। एक नंबर मांग है, झारखंड राज्य में जितना भी किरासन तेल कार्यरत है, ठेला भंडार कार्यरत है, उनको कम से कम 1600 लीटर तेल मिलना चाहिए, प्रति लीटर 5 रुपया कमीशन मिलना चाहिए, सभी ठेला वेंडरों के नाम पर ग्रुप बीमा होना चाहिए, 5 लाख रुपया का ग्रुप बीमा होना चाहिए, और सभी ठेला वेंडरों को सरकार द्वारा निर्धारित जो डीबीडी सिस्टम लागू हो रहा है उससे मुक्त करने का मांग हम लोग ने किया। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर झामुमो द्वारा पिछले दिनों आंदोलन चलाया गया था, पर आश्वासन के बावजूद इस दिशा में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांति सिंह के नेतृत्व में गत अप्रैल माह में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था और प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जोरदार आंदोलन चलाया जाए। सीएम का आदेश जारी हुआ कि जितने भी प्राइवेट स्कूल है, बिल्डिंग फंड रीएडमिशन जो भी स्कूल लेते हैं, सबकी मनमानी को बंद कर दिया जाए, लेकिन करीबन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनके आदेश को लागू नहीं किया गया उनके गृह क्षेत्र में, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज उस मांग को लेकर के हम लोग डीसी से मिले हैं, उनके आदेश को जल्द से जल्द लागू कराया जाए ताकि यहाँ के शहर के झारखंड के तमाम अभिभावकों को इन निजी स्कूलों से छुटकारा। आप कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम लोगों ने 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। उन्होंने यह कहा है कि मैं इंक्वायरी बैठा रहा हूं, अगर 10 दिनों में नहीं होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए। सोनारी मरीन ड्राइव के पास बच्चा सिंह ईट भट्टा बस्ती में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। सोनारी मरीन ड्राइव स्थित बच्चा सिंह ईट भट्टा बस्ती में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ अवसर बस्ती वासियों ने आयोजन का अवसर पे सब कार्यक्रम जो रखा गया है, ये बस्ती वासी विकास के रूप में जन्माष्टमी के मौके पे जो कुछ भी कार्यक्रम किया जा रहा है ये बस्ती का विकास पे है। टाटा स्टील खेल विभाग द्वारा सोमवार को अंतर सामुदायिक केंद्र बैडमिंटन एवं कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। Y15 कोट नंबर 2 अमित कुमार यादव मांडा
मामला सेंटर अमित कुमार यादव क्या